राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष के तहत चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बुधवार से स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड पर दिन रात का धरना शुरू किया गया। प्रदेश स्तरीय आह्वान पर बुधवार को कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी तथा कर्मचारी ने रोडवेज बस स्टैंड पर अपनी मांगों को लेकर रात दिन का धरना शुरू किया। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए वंदे मातरम, हमारी मांगे पूरी करो, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद तथा अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए। धरने के दौरान संयुक्त मोर्चा के टीसी गोयल, विनोद शर्मा, विजय सिंह राठौड़, वीर किरण सिंह, जगदीश सैन, बाबूलाल, गोपाल सिंह, बुधन दास, प्रेम सिंह, नारायण सिंह, बुधाराम भाटी, वासुदेव पारिक, नारायण सिंह राठौड़, नंदू सिंह तथा समरस सिंह खीचा आदि शामिल थे। संयुक्त मोर्चा के टीसी गोयल ने बताया कि संयुक्त मोर्चा अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर विगत लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अब तक आंदोलन के 7 चरण पूर्ण हो चुके हैं। अब कर्मचारियों की ओर से 8वां चरण शुरू किया गया है। 8वें चरण में कार्यरत कर्मचारियों को हर माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान करवाने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान समय पर करवाने, निगम में नई बसों की खरीद करने तथा विभिन्न पदों पर 10,000 कर्मचारियों की भर्ती किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। गोयल ने बताया कि अगर रात दिन के धरने के बाद भी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन संयुक्त मोर्चा की ओर से आज रात्रि 12 बजे से चक्का जाम हड़ताल प्रस्तावित है। अतः सरकार को चाहिए कि चक्का जाम हड़ताल से उपजने वाले हालातों को देखते हुए शीघ्र ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे। राज्य पथ परिवहन निगम में विभिन्न यूनियनों के द्वारा गठित संयुक्त मोर्चे द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र पर 9 चरणों में ये आंदोलन माह सितंबर से लगातार जारी है, जिसका 7 चरण आंदोलन के सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और ये 8वां चरण चल रहा है, जिसमें दिनांक 22 और 23 को दिन रात के धरने पूरे प्रदेश में सभी डिपो, मुख्यालय सब जगह जारी हैं। और ये जो वाजिब मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांग जो कि कार्यरत कर्मचारी हैं उनको वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन हर माह की 1 तारीख को दिया जाना सुनिश्चित किया जावे, जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं उनके रिटायर्ड होने के जो काफ़ी समय से पेमेंट बाकी हैं हर माह 1 माह का पेमेंट उसकी स्वीकृति जारी हो, यात्रियों के लिए बसों की जो कमी है 2,000 नई बसों की खरीद की जावे, साथ ही 10,000 कर्मचारी विभिन्न पदों के कर्मचारी रिक्त हैं उनकी पूर्ति की जावे और बस अड्डा प्राधिकरण और अनाधिकृत वाहनों की जो रोकथाम है वो सरकार द्वारा की जावे।